हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। इसमें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का जो भी मेथड है वो देखेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के आगे का, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 2 करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं स्टूडेंट तो जाकर के देख लीजिए, उसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा दिया है, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट होगा इस एक्सरसाइज को करने में। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे ना तो आप बहुत इजी तरीके से इस एक्सरसाइज को समझ जाएंगे कि कैसे करना, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो मेन पॉइंट उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, जो मेन पॉइंट यहाँ पे नीड है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट, लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उसको अल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बोला जाए कि अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए, अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए, तो आप कैसे करोगे। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, मतलब इस फॉर्म में अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट a1x + b1y + c1 = 0, इसके लिए अलग हम लोग कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स और वाई का पॉइंट हम लोग, दो पॉइंट एटलीस्ट, कम से कम दो पॉइंट तो निकालेंगे, ठीक है ना, कम से कम दो पॉइंट निकालेंगे। इसी तरह इसका भी हम लोग अलग से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक्स वाई पॉइंट यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है, इसका भी कम से कम दो पॉइंट ढूंढेंगे। और फिर हम लोग एक्सेस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर लेकर के, ठीक है, एक्स डैश, एक्स और वाई और वाई डैश। और जो यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ पे पहले पॉइंट हम लोग मार्क कर लेंगे पहले, ठीक है स्टूडेंट, जो भी जैसे मार्क होता है आपको तो ये पता ही होगा। उसके बाद यहाँ मतलब जो पॉइंट मिला है हमें कोऑर्डिनेट टेबल से, उसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। और प्लॉट करने के बाद जो इनसे दो पॉइंट मिलेगा आपको इस ग्राफ पेपर पे, आपको इस कोऑर्डिनेट टेबल से दो पॉइंट मिलेगा, उस दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो वो जो ग्राफ होगा वो इस वाले इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। सेम आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से जो आपको दो पॉइंट ऑप्टेन होगा, ठीक है ना, उन दोनों पॉइंट को यहाँ पे रखना है आपको। सपोज मान लो कि ऐसा सा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखेंगे कैसा पॉइंट वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आपको ये दो पॉइंट मिल गया, उसका कोऑर्डिनेट आप लिख दोगे, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है, और फिर आप उनको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो ज्वाइन करोगे तो जो ग्राफ मिलेगा ये वाला, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये ग्राफ, ये इस वाले इक्वेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना मोटा मोटी क्या करना है आपको, मतलब एक तो अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है कुछ इस तरह का, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब जो कि एक दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में बोला भी है, रिप्रेजेंट सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मतलब क्या है स्टूडेंट कि आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये एक तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। अब इस सिचुएशन को पढ़ना है, पढ़ करके आपको अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, और फिर इस तरह से इन दोनों अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या बोला है। तो उससे पहले मैं आइए देखिए, अब देखो स्टूडेंट, बोला गया है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। अफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है कि 7 साल पहले जाते हैं, अगर हम 7 साल पहले जाते हैं और अपनी एज को कंपेयर करते हैं, मतलब अफ्ताब अपनी एज को कंपेयर कर रहा है किससे, अपनी बेटी से, हिज डॉटर, ठीक है। तो कंपेयर करता है तो वो क्या बात, क्या वो देखता है, देखता है कि उसका एज, अफ्ताब का एज उसकी डॉटर के एज से क्या है, 7 टाइम्स अधिक बड़ा है, मतलब ज़्यादा है, अधिक है, 7 टाइम्स अधिक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लेट मतलब मानना होगा इनका प्रेजेंट एज क्या है, इनका प्रेजेंट एज मतलब अभी का एज इनका क्या है वो पहले मानना होगा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब का प्रेजेंट एज हम लोग ले लेते हैं एक्स ईयर, ठीक है स्टूडेंट, एक्स ईयर, चलो यहाँ पूरा लिख देता हूँ मैं,
थोड़ा सा जगह लेकर के एक्स ईयर, ठीक है। अब तो आपका जो प्रेजेंट एज क्या है, हम लोग क्या ले ले रहे हैं, एक्स ईयर्स, ठीक है। उसी तरह से हम लोग प्रेजेंट एज किसका लेंगे, डॉक्टर का लेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉक्टर वो कितना होगा, वाई ईयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब सुनो स्टूडेंट, इसके बाद दोनों का प्रेजेंट एज हमें हमने मान लिया, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 ईयर अगो पहले जाने के लिए, तो 7 ईयर अगो चलते हैं, 7 ईयर अगो। अब आप ही बताओ, 7 साल पहले आज इसका एज एक्स है, अब तो आपका एज आज एक्स है, और 7 साल पहले जाएंगे तो एक्स तो नहीं होगा, 7 साल छोटा होगा। जैसे कि आप सपोज मान लो कि आज आपकी एज 15, ठीक है, आज आपकी एज जो है 15 है, तो क्या 7 साल पहले भी आप 15 के होगे कि कम होगा, 15 से कम ही होगा ना, 15 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सही ना, 15 माइनस 7 ही होगा। तो 7 साल पहले आप जाओगे तो 15 माइनस 7 यानी 8 हो जाएगा। तो उसी तरह से 7 ईयर पीछे जाएंगे तो आफ्ताब का एज जो हो जाएगा वो एक्स माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें कंपेरिजन करना है उसके डॉक्टर के एज से, क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन हो रहा है डॉक्टर के एज से, तो हम डॉक्टर के एज को भी बगल में लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप बताओ, डॉक्टर का भी एज 7 साल कम होगा, 7 साल पीछे जाएंगे तो वाई माइनस 7 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कि जो अफ्ताब 7 साल पहले जो अफ्ताब का एज होगा ना, वो उसकी डॉक्टर के एज से 7 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो डॉक्टर के एज से 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स का मतलब, पहले टाइम्स का मतलब समझो, 7 टाइम्स का मतलब 7 मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। और तो ये इक्वल हो जाएगा। तो देखो आप इसको पढ़ सकते हो, इसको लैंग्वेज की तरह कैसे पढ़ सकते हो, अफ्ताब का एज 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो अफ्ताब का एज इक्वल होगा किसके, 7 टाइम्स हिज डॉटर एज 7 ईयर अगो, ठीक है ना। फिर से सुनो, 7 ईयर अगो अफ्ताब का एज जो होगा वह 7 टाइम्स ज़्यादा होगा उसकी डॉटर का एज, जो उस वक्त उसकी डॉक्टर का जो एज होगा 7 ईयर अगो, उस वक्त जो डॉक्टर का एज होगा, ठीक है, उससे 7 टाइम्स होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो देखो आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा, एक एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस का 49, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस इधर 7y आ जाएगा, देखो माइनस करेंगे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस 49 इक्वल्स टू आपको 0 मिलेगा। इधर का सारा, इधर का जो दोनों वैल्यू था मैंने इसको इधर ले आया, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस 7y और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 42 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपने सिचुएशन पढ़ा क्वेश्चन में, उसका अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है आपको। अब आपको क्या करना है, सेकेंड वाला, सेकेंड सिचुएशन को रीड करना। सेकेंड सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट है, ऑल्सो से, देखो ऑल्सो, ठीक है। तो ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से, आज जो एज है ना अफ्ताब का और उसकी डॉक्टर का, उससे 3 साल पहले, 3 साल बाद चले जाइए, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद आप ही खुद सोचो, थोड़ा बैठ करके सोचो कि आज आपका एज 15 साल के हो, तो 3 साल बाद 15 + 3 हो जाएगा। उसी तरह से अफ्ताब आज एक्स ईयर का है, तो 3 मतलब 3 साल बाद जाएंगे अगर हम, ठीक है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो क्या होगा, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे तो एक्स प्लस 7 होगा, और उसका डॉक्टर का एज क्या होगा, वाई प्लस, सॉरी 3 होगा ना, 3 साल बाद देख रहे हैं तो वाई प्लस 3 हो जाएगा। देखो 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। अब तब बाद में अपनी डॉक्टर को क्या बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद जो है मेरी एज तुम्हारी एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, अफ्ताब के एज के, ठीक है ना। अफ्ताब का एज जो होगा उसकी डॉक्टर के एज से 3 साल बाद जाएंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक और लीनियर इक्वेशन मिलेगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y + 9, ठीक। अब आप इसको इधर ले आओ, एक्स माइनस 3y और प्लस 3 - 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें तो क्या मिला आपको, देखो -6 इक्वल टू 0, ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया, ठीक है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन मिल गया इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो सेकेंड वाला जो लीनियर इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है सेकेंड सिचुएशन का, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, पूरे क्वेश्चन का अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हाफ पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब एक पार्ट रह गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने क्या कहा है स्टूडेंट, कि दोनों इक्वेशन को हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, और उनसे टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लेंगे, टेबल ड्रॉ करने के बाद उससे ग्राफ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों को दो
अभी जस्ट हमें दो इक्वेशन मिल चुका है, फर्स्ट और सेकंड। अब इनके हेल्प से हमें इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट टेबल बनाने के लिए एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस वाले इक्वेशन का। तो अगर आप एक्स को यहाँ पे स्टूडेंट जीरो ले लेते हो, ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट टेबल कैसे निकालते हैं। तो एक्स को अपने तरफ से रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लेंगे, और ऐसा वैल्यू लेंगे कि वाई हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। तो एक्स को हम रैंडमली क्या ले लिए स्टूडेंट, जीरो ले लिए। तो जीरो ले लिए तो देखो माइनस का 7y प्लस 42 इक्वल टू जीरो ये मिलेगा, और माइनस का 7y और उधर करोगे तो माइनस का 42, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सिक्स, ठीक है। तो वाई आपको क्या मिल गया, सिक्स मिल गया, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप एक्स को आप ले लो यहाँ पे सेवन ले लो, ठीक है, एक्स को आप सेवन रखो। तो एक्स को आपने सेवन लिया, ठीक, तो आपको क्या मिला, देखो सेवन यहाँ रखोगे तो सेवन और प्लस 42, सेवन यहाँ रखोगे सेवन प्लस 42 49 हो जाएगा। तो माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू जीरो, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। तो जब आप इसको कट करोगे तो देखो क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस भी कट जाएगा और ये 49 भी कट जाएगा सेवन टाइम्स में, ठीक है ना, 49 पूरा कट जाएगा सेवन टाइम में। तो वाई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सेवन, यानी एक्स सेवन लेने पे आपको वाई क्या मिल रहा है स्टूडेंट, सेवन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक मैंने हम लोग क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट टेबल ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का भी इसी तरह से कोऑर्डिनेट टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे, ठीक है, इसमें भी हम लोग एक्स और वाई का पॉइंट ढूंढेंगे, एक्स और वाई का पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग एक्स को एज्यूम कर लेंगे, एक्स को अगर हम लोग जीरो एज्यूम कर लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, ठीक है, जीरो ले लिए तो माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस 3y इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से अगर आप y को जीरो रख लेते हो, ठीक है, y को जीरो, यानी y को आपने जीरो, आप y का भी वैल्यू ले सकते हो, x का भी वैल्यू ले सकते हो, और ध्यान रखना आप किसी एक वन टाइम में आप किसी भी एक ही का वैल्यू लोगे, या तो x का या तो y का, और दूसरी वैल्यू को आप ढूंढोगे उस वैल्यू के हेल्प से। रैंडमली आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो एक से या वाई की जगह पे, और दूसरी वैल्यू को आपको ढूंढना है, बट आपको ध्यान रखना ऐसे वैल्यू को लें कि ताकि जो दूसरी वैल्यू निकालें, दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालें, तो वो इंटीजर ही आए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे वाई को आपने जीरो ले लिया, तो जीरो आप इस वाले में इक्वेशन में रखें तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट, एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप जीरो रखोगे तो ये तो पूरा टर्म गायब हो जाएगा, एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, नहीं एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 6, ठीक है। तो 6 और 0, तो ये आपको दोनों, ये हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से भी कोऑर्डिनेट टेबल निकाल लिए और फर्स्ट इक्वेशन से भी कोऑर्डिनेट टेबल निकाल लिए। अब हम इनके हेल्प से हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सिस। तो तब तक आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको ग्राफ पेपर पे क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स डैश, एक्स, वाई और वाई डैश, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, हमारे पास पॉजिटिव का वैल्यू है, बड़ा ज़्यादा बड़ा जो हमारे पास वैल्यू है वो पॉजिटिव का, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाले एक्सिस को ज़्यादा बड़ा रखा है, और नेगेटिव वाले की तरफ हमारे पास छोटा सा वैल्यू है इसलिए मैंने इसको छोटा रखा है, ठीक है। तो अब आपको इसमें पॉइंट को मार्क करना है स्टूडेंट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट टेबल को लो और यहाँ से पॉइंट को पहले मार्क करो। तो देखो एक्स क्या है स्टूडेंट, जीरो है, तो उस पर वाई क्या मिल रहा है, सिक्स हमें मिल रहा है, एक्स जीरो पे वाई हमें सिक्स मिल रहा है, यानी ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है ना, फाइंड हो गया। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट भी बगल में यहाँ पर लिख देंगे, जीरो और सिक्स, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट, सेवन पे सेवन मिल रहा है, यानी एक्स सेवन पे वाई भी हमें क्या मिल रहा है, सेवन मिल रहा है, तो इसको डॉटेड लाइन से इधर लेके आ जाओ, ठीक है, स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना स्केल की हेल्प से करना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से, पेन से तो बिल्कुल ही मत बनाना ग्राफ पेपर को, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट मिल गया सेवन और सेवन मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से ज्वाइंट कर देना, ठीक है ना, ज्वाइंट कर देना है दोनों पॉइंट को। तो अगर आप इसको ज्वाइंट करोगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, स्केल की हेल्प से करोगे, बिल्कुल स्केल की हेल्प से करोगे तो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है कोऑर्डिनेट टेबल में, पॉइंट जीरो और माइनस टू, तो देखो जीरो ये रहा और माइनस टू ये रहा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट जीरो और माइनस टू हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या, सिक्स और जीरो, सिक्स और जीरो, सिक्स और जीरो, तो यही आपको पॉइंट मिलेगा, सिक्स और जीरो का ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगा सिक्स और जीरो, ठीक। अब आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से इसको भी ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो देखो ये जो ग्राफ मिला स्टूडेंट, ये कौन से इक्वेशन का मिला, एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 42 इक्वल टू जीरो, और ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ मिला, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आपने क्या किया, सिचुएशन का, इस वाले सिचुएशन का
इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस वाले सिचुएशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये कर लिए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर भी सिचुएशन एक नया सिचुएशन है और उसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तब तक आप क्या करें, घर पे बैठें और वीडियो को रिपीट करके देखें, पीछे जाके इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें और उसके बाद जो है खुद भी कोशिश करें अगले क्वेश्चन को करने का। ठीक है, वैसे तो मैं बता ही दूंगा अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।